ईद की शॉपिंग करने के लिए पहुंच गए हैं और ये मीठी और मीठा, इनको ज़्यादा जल्दी थी कि ईद की शॉपिंग स्टार्ट करें। ये मैक्स में गर्ल्स कलेक्शन काफ़ी अच्छी आई हुई है, मैक्स के शूज़ अच्छे होते हैं, मुझे इनके कपड़ों की नस्बत इनके शूज़ अच्छे लगते हैं, पायदार भी होते हैं, डिज़ाइनिंग भी अच्छी होती है और प्राइस भी ठीक होती है। कोई स्पेशल प्रमोशन तो नहीं चल रही थी लेकिन रेगुलर प्राइस थी, लेकिन इनकी प्राइस ज़्यादा इतनी नहीं होती, 65, 55, 50 इसी रेंज में सारे शूज़ होते हैं। इसी तरह ये लेडीज़ के लिए भी समर कलेक्शन बड़ी अच्छी आई हुई है, ब्राइट कलर में भी, लाइट कलर में भी बड़े अच्छे शूज़ होते हैं मैक्स में। अक्सर ऐसा होता है कि मैक्स और सेंटर पॉइंट, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा शूज़ पसंद आ जाते हैं, और ये हील वाले सारे शूज़ ये भी मैक्स में हैं। मीठी जो है वो अपनी शॉपिंग करने लग जाती है, उसे ज्वेलरी में उन्हें हेयर बैंड और बैंगल्स, इन दोनों का बड़ा ही शौक़ है और इसके काफ़ी कलेक्शन भी जमा करके रखती है। तो यहाँ भी ये अपने ईद के लिए ज्वेलरी की शॉपिंग जो है वो करके मुझे दिखा रही थी। अभी हमने आधी शॉपिंग भी नहीं की थी कि बस हमें लग गई है भूख। ये हमारे साथ मसला है, पता नहीं सबके साथ होता होगा लेकिन हमारे साथ तो कुछ स्पेशल ही है कि हमें मॉल में जाते ही भूख लग जाती है। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसका सलूशन निकाल लेते हैं, बाद में कुछ और शॉपिंग करेंगे। इसके बाद आ गए जी सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट में भी ये प्रमोशन लगी हुई थी शूज़ की, सेंटर पॉइंट में बाय टू गेट वन फ्री। ये सारे शूज़ जितने मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन सब की प्राइस 129 से स्टार्ट हो रही थी, 169, 159 इसी रेंज में थे। और उसके अलावा ये जी नेपकन्स थे सेंटर पॉइंट्स में। मेरी सिस्टर पूछती हैं कि आप कलर टिश्यूज़ जो रखती हैं जब मैं पराठा बनाती हूँ तो उसके लिए यूज़ करती हूँ, तो ये आप कहाँ से लेती हैं? तो ये सेंटर पॉइंट में भी 8 दिरहम का अवेलेबल था। उसके बाद जी कारफोर में ये वॉक पैन कढ़ाई, इसमें 2 कलर्स थे, ये 20 दिरहम में कास्ट एलुमिनियम की, ये भी प्रमोशन चल रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ।